विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरोसा दिलाया है कि वो कैथोलिक पादरी फादर टॉम उझुनालिल को आईएसआईएस के चुंगल से छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगी। आईएस के चुंगल में कैद फादर टॉम ने इस साल पहले पोप के अलावा प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार से आग्रह किया था कि उन्हें रिहा कराया जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि अगर वो यूरोपीय पादरी होते तो स्थिति अलग होती। भारतीय होने के नाते उनकी रिहाई को लेकर विश्व समुदाय की तरफ से कोई खास कोशिश नहीं की जा रही, जिसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा, फादर टॉम को रिहा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैंने फादर टॉम का वीडियो देखा है, वो एक भारतीय नागरिक हैं और हर भारतीय का जीवन हमारे लिए कीमती है। हमने अफगानिस्तान से फादर एलेक्स प्रेम कुमार और जुडिथ डिसूजा को रिहा कराया था। हम फादर थॉमस को रिहा कराने के लिए भी हर संभव कोशिश करेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, आप जानते हैं कि यमन की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां लड़ाई जारी है और कोई भी एक केंद्रीय सत्ता नहीं है। फादर टॉम की रिहाई के लिए हम उस इलाके के दूसरे देशों खासकर सऊदी अरब और यमन के स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं। आपको बता दें कि यमन में भारत का अपना दूतावास नहीं है। गौरतलब है कि फादर थॉमस मार्च महीने से ही यमन में इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस के बंधक हैं। मंगलवार को 55 वर्षीय इस फादर का 5 मिनट का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से खुद को रिहा करने का अनुरोध किया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।